कोरोना टेस्ट को लेकर गुलाबपार के व्यापारियों और मनपा अधिकारियों में बवाल। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मनपा प्रशासन की ओर से जैसे कि तमाम दुकानदारों, व्यापारियों और हॉकरों के लिए अब कोरोना टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कंपल्शन है, आपको ये टेस्ट कराना ही होगा। उसका सर्टिफिकेट होगा, टेस्ट का रिपोर्ट होगा, तो ही आप अपना धंधा कारोबार कर सकते हैं, दुकान खुली रख सकते हैं, हॉकर अपना व्यवसाय कर सकता है। इस फैसले को लेकर गुलाब पार्क मार्केट में व्यापारियों में कई तरह की बातें थी, कई तरह के उनके मुद्दे थे। आखिरकार उपनगर अभियंता धनंजय गोसावी, अतिक्रमण विभाग के वरिष्ठ क्लर्क जितेंद्र साबले, पूरी टीम समेत जब गुलाब पार्क मार्केट पहुँचे तो दुकानदारों और इनके बीच अच्छी खासी बहस हुई, कई सारे सवालात हुए, कई सारी बातें हुई। किस तरीके से यहाँ ये सवालात हुए, बातचीत हुई और कैसा माहौल था, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। एक आदमी तो रहेगा तो बाकी तो सबको फैलाएगा। 15 मिनट तो रखता है, इधर लगा नंबर के 4 घंटे लगते मगर मेडिकल करून घेऊ। सर ये वन टाइम आहे की हमेशा करा दे काय? वन टाइम। डॉक्टर बोलेगे उसके आगे एक टेस्ट है, वो डॉक्टर बोलती है हर 15 दिन में टेस्ट कराने का। अरे 15 दिन जाने दो, अभी करके ले लो पहले। अच्छा, जिसके पास ऑलरेडी टेस्ट रिपोर्ट है उसको क्या? उसको नहीं जरूरत नहीं ना। हाँ है, वो दिखाओ। हाँ ठीक है, मेरे पास है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तेरा क्या आया? नेगेटिव। कस्टमर जो आएगा उसका क्या करेंगे? अच्छा कस्टमर आ गया तो उसका क्या करेंगे? कस्टमर जो आते हैं सर, इतने हजारों औरतें आती है, हजारों औरतें आती है, अगर निकला तो हम लोग क्या करेंगे? हमको हो गया तो वो बात अलग है। अब क्या मगर सर, वो बात नहीं, ऐसे है, ये समझो तुमको रहेगा, तुम्हारे पास 500 गिराई का सबको हो जाएगा, मगर एक गिराई रहेगा तो एक घर पे तो जाएगा, उसके लिए हम है ना। अरे पर तो रहेगा फिर हमको मैंने बंद करोगे दुकान? इसके लिए बंद करो क्या? नहीं तो क्या निकाला है? क्या निकाला है? आप लोग ने बोले थे क्या? बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट करके लेके आके दुकान खोल, ये बोल रहा हूँ ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग को दुकान का जो आदमी है वो टेस्ट करो ना, वो आएगा जाएगा देखेंगे। किसी में हम लोग ने 4 महीने कॉम्प्लेट किए, कॉम्प्लेट आपको भी किए, हमने आपको किया, आपने आपको किया, सब अच्छा हुआ। अब जरा से क्या करो, सबकी रोजी रोटी है, सबकी रोजी रोटी है, सोल्यूशन निकाला भाई। नहीं तो P1 P2 के हिसाब से तुमको करने का, मगर वो भी करके अपन P1 P2 से ही करेंगे। मगर ये सुना, ये काय के लिए कर रहे हैं कि बीमारी अपना ज्यादा फैला नहीं, और दूसरा तुमको भी कॉन्फिडेंस आएगा मेरे बीमारी कंट्रोल किया, ज्यादा नहीं होना, ये प्रिकॉशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। बराबर है। अरे मैं मेरे तो सुनो, मेरे तो खुद तो हो गए, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, इतना तकलीफ होता है, इतना तकलीफ होता है ना, और खर्चा भी इतना आता है ना, वो तुम्हारा धंधा 5,000 का और खर्चा 5 लाख का होता है। ये इसमें मत पड़ो, मेरे सुनो, मैं खुद जाके आया हॉस्पिटल, 21 दिन में मैं हॉस्पिटल में था, मेरे को मालूम है अपन गरीब लोग हैं, इतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकते। पहले सेफ्टी रहा, सुनो मेरी बात, मैं खुद जाके आया उसमें से, और इतना तकलीफ होता है ना, पानी के बाहर मच्छी कैसी ये होते है, काय के लिए रिस्क ले रहे हो? मैं पहले पड़ता तुम्हारा, मैं खुद गया हूँ, पैसा नहीं है, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, किसी के साथ मेरे को बोलने का तो अभी जो लाइन एक मिनट अभी इतना रुके ना, 2-3 दिन खाली इतने बार मैं क्या बोल रहा हूँ, चले जाएगा हम लोग चेकअप कराने के लिए। मेरे बात मैं क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट करके आके अंदर तो यही 4-5 दिन बाद भी कर सकते। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं? इसका टाइम है घुसा, ज्यादा फैलाएगा, सुनो मेरी बात, उधर 2 घंटा गया, बाकी का 4 दिन तुम्हारे हाथ में है,
आज का भी दिन है, दो घंटे दुकान पे एक आदमी जाओ, दस दस पंद्रह पचास दिन जाके दुकान तो खुली रखो, जाने दुकान खुला रखो, चलो दुकान बंद 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 करो, सब लोग एक एक जन जाओ, चलो टू के हिसाब से चालू रखना है। शादी मॉल में रोड में नजदीक लगाया, उधर भी जाने की जरूरत है, भंडा बंद करके आ जाओ, धंधा 5,000-5,000 कमाएंगे, अगर बीमारी लगेगा ना देने पड़ते, हम लोग खुद ही खतरा समझ रहे हैं। लेकिन जो आज खुला है ना बिहार है, जो बंद है ना वो जाके अपना टेस्ट करा के क्या बोला नहीं, बराबर कंपल्सरी, चलो ओके टेस्ट कंपल्सरी है, उसके आगे की टेस्ट डॉक्टर बोलेंगे ना वो भी करके ले लो, बराबर। सर जो मेन मुद्दा है वो देखना, B1 B2 जब गली में कर रहे मत करो प्लीज, मार्केट बोला यार, पहला ये सवाल होने दो मेरा, कल मैं दूसरे के लिए आऊंगा, चलेगा ठीक है।